हेलो एवरीवन, दिस इज कुशवाहा एंड हियर वी आर गोइंग टू डू आवर मॉड्यूल 9 लैब 4। सो लेट्स बिगिन। ये हमारी लास्ट लैब है इस मॉड्यूल की। सो यहाँ से हम लोग लैब को स्टार्ट करते हैं। लॉन्च विद वन क्रेडिट, यहाँ पासवर्ड कॉपी करना और राइट क्लिक करके इसको इनफॉर्मेटर पे ओपन कर लेना अपने कॉन्सोल को। फिर नेक्स्ट करना, फिर यहाँ पे पेस्ट करके एंटर कर देना, फिर आई अंडरस्टैंड। अब उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, एक मिनट इसको पूरा ओपन होने जाने देते हैं, ठीक है? उसके बाद से करते हैं बाकी चीज़ें। इसको एग्री एंड कंटिन्यू कर लेना और वो ये दिख रहा है अपना गूगल क्लाउड, उसके ऊपर राइट क्लिक करना और ये ओपन लिंक इन न्यू टैब इसको कर देना, ठीक है? और तुमको दिख जाएगा कंप्यूट इंजन, यहाँ आना और इसको ऊपर आते जाना, वीएम इंस्टेंसेस दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक कर देना, ठीक है? ये इधर खुल गया, अब इस पर आ जाना, ठीक है? अब इधर आना तो और तुमको दी जाए एपीआई एंड सर्विसेज, इसमें तुमको दी जाए क्रेडेंशियल्स, इसके ऊपर क्लिक कर देना, ठीक है? ये इधर खुल जाएगा, ये इधर खुल जाएगा, ओके? चलो अब तुमको दिखेगा क्रिएट क्रेडेंशियल्स, इसको कॉपी किया, एपीआई की लिखा है, तुमको इसके ऊपर कॉपी करना है, ठीक? और इधर आ जाना अब तुम, इसके ऊपर तुमको दिख रहा है ये लैब वीएम, इसके ऊपर क्लिक कर देना। अरे हाँ, इसके ऊपर, सॉरी वो गलत था, कनेक्ट एसएसएस दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर देना। ये तुमको एक टर्मिनल टाइप का, जैसे हम लोग पहले खोल रहे थे ना क्लाउड शेल वाला, वैसा ही बिल्कुल, ऐसा ही अकॉर्डिंग, वैसा ही कुछ तो है, ठीक है? ये अभी कनेक्ट हो रहा है सर्वर से, इसको हम लोग मिनिमाइज कर देंगे और यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है? तुमको ये चीज़ दिख रहा है, इसको अभी कॉपी मत करना, अभी उसको रहने दो। तुम आ जाना अभी गिटहब पे, ठीक है? तुमको गिटहब की लिंक मिल जाएगी और तुम थोड़ा सा स्क्रॉल करके इस जगह पे आ जाना, ठीक? तुमको ये इतना कॉपी करना है यहाँ से और खोलना है अपना नोट पैड, ठीक? तुमने नोट पैड खोला और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया हमने, ठीक है? अब हम वापस आ जाएंगे, हाँ इस जगह पे। अब हमको अपनी एपीआई की को कॉपी करना है। अब वापस आ जाएंगे हम नोट पैड पे और इस जगह पे हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे इसको। उसके ऐसे जो टास्क फाइल नेम है, ठीक है, इसके लिए हम लोग आ जाएंगे अपने लैब वाले पे और नीचे आते जाएंगे, नीचे आते जाएंगे। तुमको पहला दिख जाएगा, हाँ पहला दिख जाएगा सिंथेसाइज टेक्स्ट डॉट टीएक्सटी, ठीक है? इसको हम कॉपी करेंगे और आ जाएंगे, एक मिनट यार थोड़ा सा, हाँ ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है? अब हम वापस आ जाएंगे इसके ऊपर और नीचे आते जाएंगे स्क्रॉल करके, ठीक है? और नीचे आएंगे और नीचे आएंगे, तुमको ये दिख जाएगा स्पीच रिक्वेस्ट एफ आर डॉट जेसन, इसको कॉपी करना है हमने और यहाँ लाके इसको पेस्ट कर देंगे हम और वापस एक और आएंगे। फिर यहाँ दिखिएगा रिस्पॉन्स डॉट जेसन, ठीक है? फुल स्टॉप वगैरह हम लोग नहीं लेंगे, सो इसको कॉपी करेंगे हम लोग और यहाँ लाके इस वाले में हम लोग पेस्ट कर देंगे नंबर 3 में। अब वापस हम लोग सेम चीज़ करेंगे और नीचे आएंगे और तुमको ये कुछ दिखेगा चाइनीज वगैरह, पता नहीं क्या लिखा है इसमें, तुमको ये चीज़ दिख जाएगी, इसको तुमको कॉपी करना है इस डॉट के साथ में, जो लास्ट डॉट है इसको कॉपी करना है साथ में। तो फिर हम लोग रिस्पॉन्स 5 में इसको पेस्ट कर देंगे और फिर हम लोग ट्रांसलेशन रिस्पॉन्स डॉट टीएक्सटी को हम लोग यहाँ कॉपी करेंगे और 4 नंबर में ही इसको पेस्ट कर देंगे, वो सेंटेंस है ये फाइल है, ठीक है? सो फिर से और नीचे आएंगे, तुमको दिख जाएगा ये कुछ ऐसा अजीब सा लिखा हुआ है जैपनीज में, इसको हम लोग कॉपी करेंगे और यहाँ लाके हम लोग पेस्ट कर देंगे इसको। फिर आएंगे हम लोग और तुमको दिखेगा डिटेक्शन रिस्पॉन्स डॉट टी एक्स टी, इसको कॉपी करना है और यहाँ पे ऐसे लाके इसको पेस्ट कर देना है और नीचे आके देख लेना, अब इधर कुछ नहीं है, ठीक है? अब इसको तुमको ओवरऑल कॉपी करना है ऐसे करके और इसको मिनिमाइज कर देना। अब तुमको खोलना है अपना ये वाली चीज, ये जो लोगों का पावर शीट टाइप का था, इसको हम ऐसे पेस्ट कर देंगे सारा और एंटर कर देंगे एक बारी, ठीक? अब हम लोग आ जाएंगे अपने गिटहब पे, इसको मैं कर देता हूँ दो यहाँ से, ठीक है? अब हम लोग आ जाएंगे अपने गिटहब पे, अरे सॉरी, हाँ गिटहब पे आ गए हम लोग। अब हमको ये कॉपी कर लेना है यहाँ से ये पार्ट,
और यहाँ लाके इसको हमको पेस्ट करना है और एंटर कर देना है। ठीक, थोड़ा सा टाइम देगा, बहुत थोड़ा सा टाइम लेगा, थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग फिर से गिटहब पे आ जाएंगे और नीचे आएंगे, नीचे आएंगे, नीचे आएंगे, नीचे आएंगे और नीचे आते जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग एक बार चेक करेंगे हम लोगों का हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, लेट्स चेक। आई थिंक दो हो गए हैं, बट अभी वो नहीं, तीन हो गए हम लोगों की, एक रह रहा है अभी। ठीक है, मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ पेज को एक बार, फिर यहाँ पे शो होने लग जाएगा ऑटोमेटिकली। तुम लोगों को भी अगर यहाँ पे पॉइंट्स वगैरह दिखने लगे और वो यहाँ पे नहीं दिखे थे ना, तो रिफ्रेश कर लिया करना। ठीक है, क्योंकि मेरा नेट स्लो है इसलिए ऐसा हो रहा था। सो हम लोगों को फोर्थ वाला जो वो हुआ नहीं है अभी, तो हम लोग वापस आ जाएंगे इस पे और आ जाएंगे गिटहब पे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है गेट्स एरर इन टास्क फोर ओनली डू दिस बिलो। ठीक है, मतलब हमारे टास्क फोर में प्रॉब्लम है, मतलब हो नहीं रहा, वो पॉइंट्स नहीं आ रहे, इसलिए हम लोगों को ये वाला करना पड़ रहा है। सो इसको कॉपी करेंगे हम और आ जाएंगे इस पे, यहाँ पेस्ट करेंगे और एंटर कर देंगे। फिर से आएंगे यहाँ पे, इसको कॉपी किया, पेस्ट किया, एंटर कर देंगे। ठीक, अब यहाँ एक नया आ गया, खुल गया। ठीक है, तो ध्यान देना इस चीज़ पे यहाँ पे। अब तुमको ये कॉपी करना है, ठीक है, जेसन वाला कंटेंट। अब यहाँ लाए हम लोग और इसको पेस्ट किया। अब तुमको क्या करना है, तुम यहाँ आओगे, तुमको दीजिएगा क्या करना है। ठीक है, कंट्रोल प्लस ओ देन इंटर, कंट्रोल प्लस एक्स। ठीक है, कंट्रोल प्लस ओ कर देंगे हम लोग, कंट्रोल प्लस ओ फिर एंटर। ठीक, अब ये सेव हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है, फिर से चल के देखते हैं। कंट्रोल प्लस एक्स करना है। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस एक्स करेंगे और यहाँ पे हम लोग वापस आ गए। ठीक, अब हम लोगों को क्या करना है, ये वाला पार्ट यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ लाके हमको पेस्ट करना है और इंटर कर देना है। ठीक है, अब फिर हम लोग वापस आएंगे और ये वाला पार्ट कॉपी करेंगे और यहाँ लाके हम पेस्ट कर देंगे और इंटर कर देंगे। बस मेरा ये काम हो गया। अब हम लोग वापस आएंगे और इसको ट्राई करके देखेंगे, ठीक है, हुआ या नहीं हुआ। लेट्स होप कि हो गया हो। सो ये हो गया हम लोगों का, 100 आउट ऑफ 100 लोगों को मिल चुका है। अब लैब को हम लोग यहाँ से एंड कर देंगे। ठीक है, ओके, थोड़ा सा टाइम ले रहा, हाँ हो गया ये। अब इसको तुम 5 दे दो और सबमिट कर दो और इधर इसको बैक कर दो और रिफ्रेश कर दो। ठीक है, सो ये वाली हम लोग पूरा मॉड्यूल कंप्लीट कर चुके हैं, 4 के 4 हम लोगों ने लैब इसकी कंप्लीट कर ली है। सो हमारी मॉड्यूल नंबर 9 यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। सो हम लोग नेक्स्ट मॉड्यूल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।